माय चैनल कुक यम यम। फ्रेंड्स, अभी सर्दियों का मौसम है, मेथी बहुत आ रही है। मेथी हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेकारी होती है, इसीलिए इसे किसी ना किसी रूप में हमारे डाइट में शामिल कर लेना चाहिए। आज हम बनाएंगे क्विक आलू मेथी की सब्जी। इसको बनाने में टाइम कम लगता है और चाहे टिफिन पैक करना हो, चाहे सफर में इसे ले जाना हो, और एक बार इसे आप बना लेंगे तो इसका टेस्ट भूल नहीं पाएंगे। क्विक आलू मेथी सब्जी को आप प्लेन गर्मा गर्म चपाती, प्लेन पराठे, मिस्सी रोटी, तंदूरी रोटी किसी के भी साथ खाइए, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, चलिए जल्दी से ये रेसिपी हम शुरू करते हैं, आलू मेथी की सब्जी बनाना। आलू मेथी की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 2 गड्ढे मेथी, ये लगभग 700 ग्राम मेथी है। मेथी के आप स्टेम हटा दीजिए और इसको 5 से 7 मिनट नमक के पानी में डिप करके अच्छे से रख दीजिए, और उसके बाद 2 से 3 बार इसे धो लीजिए, और धोने के बाद इसे चलनी में ले लीजिए ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा, क्योंकि पत्ते वाली सब्जी है तो पानी रह जाता है। साथ ही यहाँ पर लिया है मैंने 1/4 चम्मच मिर्च, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग, 1/2 चम्मच गरम मसाला। ये होममेड गरम मसाला है, इसकी रेसिपी मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, रेसिपी आप देखिएगा। इसमें एक बहुत ही खास ट्रिक के साथ हमने गरम मसाला वो चना व छोले के लिए मसाला बनाकर तैयार किया था ये, और ये है 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, और साथ ही मैंने लिए हैं यहाँ पर 1 हरी मिर्च जिसके मैंने इस तरह से पीस कट कर लिए हैं, और 3 उबले हुए आलू, ये बड़े साइज के आलू हैं, अगर छोटे हैं तो आप 4 ले सकते हैं। आलू को मैंने पहले से उबाल कर छील कर तैयार करके रखा है, इसके हम पीस कट कर लेते हैं। आलू के हमें इस तरह से बड़े साइज के पीस कट करने हैं, कंप्लीट आलू के इसी तरह से हम पीस कट कर लेंगे। आलू के भी मैंने पीस कट कर लिए हैं, और फ्रेंड्स एक बात और, आप मेथी को इस तरह से बारीक कट कर लीजिए, ये मैंने सीजर की हेल्प से कट किया है, इसे हम चॉप भी कर सकते हैं लेकिन चॉप करने से थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है, इसलिए आप सीजर से इस तरह से बारीक मेथी को कट कर लीजिए। चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। एक नॉन स्टिक पैन में लगभग 3 टेबल स्पून मैंने तेल लिया है, तेल आप कोई सा भी ले सकते हैं, सरसों का तेल भी ले सकते हैं, रिफाइंड भी ले सकते हैं, जो भी आप यूज में लेते हैं। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे हम हींग, साथ ही डाल देंगे इसमें हम जीरा, जीरा थोड़ा सा चटकने देंगे, अब इसमें डाल देंगे हम हरी मिर्च, हरी मिर्च को थोड़ा सा भून लेंगे, हरी मिर्च को थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें अब डाल देंगे हम मेथी, अच्छे से हिलाएंगे, मेथी में पानी होता है इसलिए इसे पकने में भी आसानी हो जाती है, क्योंकि ये पत्ते वाली सब्जी है, हम धोकर यूज में लेते हैं तो पानी थोड़ा सा रह ही जाता है इसके अंदर। 2 से 3 मिनट मेथी को भूनने के बाद अब इसमें डाल देंगे हम मसाले, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक और आमचूर पाउडर, और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हम आलू, अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हमें 10 मिनट ढककर चलाना है, लेकिन उससे पहले हमें एक बात का ध्यान रखना है, अगर मेथी में पानी है तो इसी पानी में मेथी पक जाएगी और सब्जी तैयार हो जाएगी, लेकिन कभी कभी हम जब मेथी धोते हैं काफ़ी देर तक हम चलनी में रख देते हैं, पानी नहीं होता है मेथी के अंदर, इस समय अगर पानी नहीं है तो मसालों को पकने के लिए हम थोड़ा सा 1 से 2 टेबल स्पून इसके अंदर पानी डाल देंगे, और उसके बाद इसे ढककर हम रख देंगे लो फ्लेम पर, लगभग 10 मिनट तक इसे हम पकाएंगे, बीच में इसे एक बार हम हिला देंगे।
10 मिनट हो चुके हैं। सब्जी को एक बार बीच में मैंने हिला दिया था, एक बार हम चेक कर लेते हैं। वाओ, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सब्जी से। और जब सब्जी इस तरह से तेल छोड़ दे और मेथी अच्छे से पक जाए, इस वक्त अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स, क्विक आलू मेथी की सब्जी बनकर तैयार है। टिफिन पैक करना हो चाहे सफर में ले जाओ ना, इसको बनाने में टाइम बहुत ही कम लगता है क्योंकि हम पहले ही इसके लिए तैयारी कर चुके हैं। आलू बॉईल करके हमें पहले रख लेना है और मेथी को साफ धोकर तैयार कर लेना है, तो इससे टाइम की भी हमारी बहुत बचत होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा क्विक आलू मेथी की सब्जी बनाने का यह तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।